सावन महीने में शिव भक्त कांवर यात्रा लेकर शिवालयों में जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। धरम जयगढ़ क्षेत्र के शिव भक्त भी कई दशकों से अम्बे टिकरा से कांवर यात्रा लेकर किलकिलेश्वर महादेव में जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल होते हैं। वहीं दानदाताओं द्वारा जगह जगह कांवड़ियों के लिए स्वल्पाहार भोजन सहित कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। सभी में बोलबम कांवड़िया समिति धरम जगड़ मध्यस्थता कर व्यवस्था बनाती है। इस वर्ष की तैयारी को लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर बोलबम कांवड़िया समिति की बैठक सम्पन्न हुई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा माँ भगवती मंदिर के दरबार से पवित्र मांड नदी से जल लेकर किलकिलेश्वर धाम के लिए रवाना होगी। 26 अगस्त 2023 शनिवार को बाहर से आने वाले शिव भक्तों के लिए भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी। 27 अगस्त रविवार सुबह 5 बजे जल लेकर सभी भक्तजन किलकिलेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे और सोमवार 28 अगस्त को किलकिलेश्वर धाम में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों की सेवा करने वाले श्रद्धालु एवं दानदाता समिति से संपर्क कर सकते हैं। धरम जयगढ़ से भरतलाल साहू की रिपोर्ट।